नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पांडे आपके अपने ऑनलाइन संस्था टारगेट विथालोक में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि हमारी संस्था में एकदम भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आर ओ आर ओ के बैच से जुड़ने से पहले कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूँ। अब आपके पास आखिरी 3 दिन का मौका है, 3 दिन के लिए पोर्टल साइट खोल दी गई है ताकि आप उसमें अपना स्थान सुनिश्चित करा सकें, एडमिशन ले सकें और एक रणनीति के तहत हम लोगों के साथ तैयारी कर सकें। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात क्या है कि जो आपकी कक्षाएं हैं नियमित रूप से, वो 20 तारीख से प्रारंभ हो जाएंगी। एक शेड्यूल आपको मिल जाएगा, एक शेड्यूल के हिसाब से कब किसकी क्लास चलेगी, कौन सी किसकी क्लास होनी है, वो सारी चीज़ें आपको 20 तारीख से मिल जाएंगी। इसीलिए कई सारे बच्चों के रिक्वेस्ट पर, आवेदन पर एडमिशन साइट को 3 दिन के लिए और ओपन कर दिया गया है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल एंट्री आर ओ आर ओ लिखकर आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है और फिर आपकी सफलता के लिए हमारी रणनीति से आपको जोड़ लिया जाएगा। आपको उस चक्रव्यूह से निकालने के लिए हमारी संस्था हमेशा आपके साथ है। जिस चक्रव्यूह में आप फंसे हुए हैं, आपको सफलता नहीं मिल पाती है, या जो और व्यक्ति जो और सफल होना चाहता है। खैर, इन तमाम बातों के अलावा कुछ बातें मैं आपसे और कहना चाहूंगा। कृपया करके आप लोग अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। इस बार की जो ये महामारी आई है, इसमें पता ही नहीं चलता है कि लोगों को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और फेफड़ा तुरंत उसका समाप्त हो जाता है। कल मैं बैठा हुआ था एक डॉक्टर जी के साथ, उन्होंने मुझे दिखाया स्कैनिंग करके कि मतलब फेफड़े में अगर कहीं सफ़ेद स्पॉट होता है तो वो पूरा का पूरा फेफड़ा खा जाता है 12 से 13 घंटे के अंदर, और ये समथिंग लाइक रेडिएशन है, इसकी कोई जांच नहीं कर पा रहा है। मैं थोड़ा सा मैंने देखा इस समय, अगर आप कोई भी मैग्नेटिक चीज़ टच कर रहे हैं तो आपको एक झुनझुनाहट सी शरीर में महसूस होती है, करंट सा महसूस होता है। तो ये क्या बीमारी है, इस पर अभी कुछ भी नहीं निष्कर्ष निकल पाया, चाहे जो भी लोग दावा करते हैं, इवन WHO को नहीं शायद मेरे हिसाब से पता है कि ये हो क्यों रहा है। तो प्लीज़ इस बीमारी से आप अपने आपको बचाइए, अपने घर वालों को बचाइए, अपने दोस्तों को बचाइए। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, आपकी सेहत रहेगी तभी आप अधिकारी बनेंगे, तभी आप पढ़ पाएंगे। इसीलिए सफलता के पहले आप अपना हेल्थ पर ध्यान दीजिए। इसीलिए किसी ने सही कहा है, फर्स्ट इज हेल्थ देन इज वेल्थ। ठीक है, शरीर रहेगा तो पैसा का इस्तेमाल होगा। खैर, इन तमाम बातों के अलावा आज मैं आधुनिक का एक टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ। रीजन ये है कि कई लोग ये सोचते हैं कि अगर कहीं डेमो क्लास होती है या कहीं पर ये क्लासेस दी जाती हैं तो लोग का जो पोर्शन स्ट्रांग होता है उसी को पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ आधुनिक भारत का टॉपिक। पहला टॉपिक मैंने आपको प्राचीन भारत का बताया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। दूसरा मैंने मध्यकालीन का बताया, बाबर, इस समय बाबर से लगातार प्रश्न उठ रहे हैं, जैसे आज लखनऊ मेट्रो का एग्जाम भी चल रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या है, आपको आज मैं असहयोग आंदोलन पढ़ाऊंगा। देखिए, असहयोग आंदोलन के बारे में ये नहीं कह सकता हूं कि यहां से प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन असहयोग आंदोलन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक कहने का मतलब क्या है कि असहयोग आंदोलन में क्यों हुआ, इसका रीजन क्या था असहयोग आंदोलन का। जबकि असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव लाया गया था वो कलकत्ता के अधिवेशन में लाया गया था सितंबर 1920 में। लाला लाजपत राय ने उसकी अध्यक्षता की थी, लेकिन सीआर दास और लाला लाजपत राय ने इस आंदोलन का विरोध भी किया, मतलब इस प्रस्ताव का विरोध किया था, आंदोलन का नहीं। और फिर इस आंदोलन की पुष्टि दिसंबर 1920 में नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में हुई, जिसकी अध्यक्षता चक्रवर्ती विजय राघवाचारी ने किया था। लेकिन इस आंदोलन की शुरुआत जुलाई 1920 को गांधी ने कह दिया था कि इस आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को ही प्रारंभ की जाएगी। लेकिन ये आंदोलन हुआ क्यों, उसके बाद असहयोग आंदोलन विरोधी संस्था बनाए गए, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, डी एस खारपड़े, बिपिन चंद्र पाल, लोगों ने कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, द्वारिका दास, ठीक है, उसके बाद जमुना दास, ठीक, पुरुषोत्तम दास ठाकुर, उसके बाद कावासी जहांगीर, ये तमाम लोगों ने असहयोग विरोधी संस्था बनाई। ये असहयोग आंदोलन आने का रीजन क्या था, क्यों लाया गया, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। मुद्दा ये था कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ध्यान से सब, वो मैं अलग से भी पढ़ाऊंगा, मैं आपको एक बैकग्राउंड बता रहा हूं। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अंग्रेजों के द्वारा हंटर कमेटी
और भारतीयों के द्वारा तहकीकात कमेटी का गठन किया गया। लेकिन जो अंग्रेजों की कमेटी का गठन हुआ तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों की बातों को माना गया और भारत की बातों को झुठला दिया गया। जनता में आक्रोश था, इतनी मर्मिक घटना कर दिए थे, और उसके बाद जब यहां से उडायर गया तो उसको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। आपने तो एकदम तमाचे पे आपने फिर से तमाचा मारा। और एक और चीज हुआ था इसी समय कि खिलाफत पार्टी का गठन हुआ था, खिलाफत कमेटी, सितंबर 1919 में। खिलाफत कमेटी का गठन इसलिए हुआ था क्योंकि जो तुर्की था, तुर्की जहां पर सुल्तान जो होता था, खलीफा, मध्यकालीन में आपको ये वर्ड मिलेंगे, वो सर्वश्रेष्ठ होता था। तो जो तुर्की था वो क्या किया, वो मित्र राष्ट्र के विरुद्ध जर्मनी का साथ दिया। भारतीय मुसलमानों को यह लगा कि अगर मान लीजिए कल को मित्र राष्ट्र जीत गए तो वो फिर हमारे जो खलीफा है, जो सुल्तान का पद है, उससे छेड़छाड़ करेंगे। इसलिए भारतीय मुसलमानों ने मित्र राष्ट्र अर्थात अंग्रेजों का समर्थन कर दिया। विश्व युद्ध समाप्त हो गया। जैसे ही विश्व समाप्त हुआ वैसे ही 1919 में सेवर्स की संधि हुई। सेवर्स की संधि के तहत मित्र राष्ट्रों ने क्या किया, तुर्की को आपस में बांट लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि भारतीय मुसलमानों को काफी चोट लगी। चोट इसलिए लगी कि भाई हमने आपका समर्थन इसलिए दिया था कि आप हमारे किसी भी पद से, किसी भी धार्मिक चीजों से आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आपने छेड़छाड़ किया, साथ में बांट भी लिया, ये क्या बात है भाई। तो सितंबर 1919 में अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली, जिन्ना नहीं है इसमें, ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली ने क्या किया, खिलाफत पार्टी का गठन किया। फिर क्या हुआ कि एक अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का आयोजन किया गया, एक सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में गांधी को बुलाया गया, नवंबर 1919 के लमसम। गांधी को इसलिए बुलाया गया क्योंकि खिलाफत पार्टी का गठन जो था वो इस्लाम धर्म मुस्लिमों के द्वारा किया गया था, तो इसमें था कि हिंदुओं की भी भागीदारी कराई जाए। हिंदुओं की भागीदारी मतलब हिंदू मुस्लिम की एकता को बनाए रखने के लिए गांधी ने इसका मतलब इस सम्मेलन की अध्यक्षता की, और उन्होंने ये बात का आग्रह किया कि भाई चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सबका एक ही मुद्दा है अंग्रेजों के विरोध में, तो इसका समर्थन किया जाए। बाद में यह असहयोग आंदोलन की असफलता का एक कारण भी देखने को मिला कि खिलाफत पार्टी को आपने इसमें क्या किया, इन्वॉल्व कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि तुर्की ने अपना रास्ता खुद ही निकाल लिया। मुस्तफा कमाल पासा जो था उसने क्या किया कि जो खलीफा थे सुल्तान अहमद, उनको गद्दी से हटा दिया। उनको गद्दी से हटाकर अब्दुल मजीद को गद्दी पर बैठा दिया। भारत वालों ने एक खिलाफत कमेटी भेजी तुर्की। कमाल पासा ने उसकी अवहेलना ही नहीं की, मतलब उसके मतलब बेइज्जती नहीं किया उस कमेटी का, बल्कि खिलाफत पार्टी को या खिलाफत कमेटी को रद्द करने की बात भी कही। तो यह हुआ 1922 के आसपास, ठीक। इसी बीच में चला हमारा एक आंदोलन जिसको हम असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। असहयोग आंदोलन, देखिए लेक्चर सुन लीजिए, उसके बाद में एक सिनॉप्सिस के रूप में आपको भी लिख दूंगा। असहयोग आंदोलन, तो जो असहयोग आंदोलन हुआ इसका एक सबसे बड़ा रोल है इसमें खिलाफत पार्टी का, खिलाफत पार्टी का इसमें समर्थन मिला। तो आपसे कभी भी पूछा गया कि असहयोग आंदोलन में निम्न में से किस आंदोलन ने या किस पार्टी ने या किस कमेटी ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया, तो वो है खिलाफत पार्टी। और खिलाफत पार्टी का गठन मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था, अली ब्रदर्स, ठीक। इसको बाद में भी पढ़ाएंगे, हम क्लास में पढ़ाएंगे। असहयोग मतलब होता क्या है, असहयोग मतलब होता है सहने ना योग्य, याद करने वाली भाषा समझिए। असहयोग मतलब होता है सहने ना योग्य। क्या ना सहने योग्य, जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी मर्मिक घटना सहने ना योग्य, आपका तुर्की को बांट लेना सहने ना योग्य। एक तो हम आपका समर्थन कर रहे हैं, आपके साथ हैं, आपके पीछे पीछे आपके तालू चाट रहे हैं, और आप हमारे खिलाफ ही काम कर रहे हैं। तो गांधी ने कहा कि मैं एक ऐसा आंदोलन चलाना चाहता हूं जो कि इस भारत में चलेगा। और असहयोग आंदोलन की इतनी बड़ी खास बात हुई कि अब ये जो कांग्रेस जो पहले चिट्ठी लिखते थे, अब ये खुद मैदान में उतरने लगे, और अब ये आंदोलन किसी पर्टिकुलर जनता से ना लेकर संपूर्ण गांव, संपूर्ण ग्रामीण, संपूर्ण विद्यार्थियों तक फैला, और उन्होंने इस आंदोलन का समर्थन किया। तो गांधी ने कहा कि जो ये तमाम चीजें चल रही हैं, ये तमाम आंदोलन जो चल रहे हैं, या आप जो हमारे खिलाफ जो आप नीतियां बना रहे हैं, रॉलेट एक्ट बना रहे हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कर रहे हैं, तुर्की को बांट दे रहे हैं, सुल्तान के पद को समाप्त कर दे रहे हैं, इन सब को मिलाकर एक आंदोलन चलाएंगे जिसे हम असहयोग आंदोलन कहेंगे।
तो आज का जो टॉपिक है उसकी क्या है, वो है असहयोग आंदोलन। ये एक समय बहुत ही लाजवाब टॉपिक था, काफी प्रश्न इससे आते थे। अभी पिछली बार ही एक एग्जाम था, उसमें आया हुआ था, पर ये टॉपिक जरूरी है, ऐसी कोई बात नहीं है, हर चीज जरूरी होता है। असहयोग आंदोलन, इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी जेम्स फोर्ड के शासनकाल में, ठीक है, मतलब इस समय भारत का जो वायसराय था जेम्स फोर्ड, और खत्म हुआ था रेडिंग के शासनकाल। किसके? रेडिंग। और रीडिंग के शासनकाल, ठीक है, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट, ठीक है। और असहयोग आंदोलन हुआ कब? तो असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था, वो हुआ था 1 अगस्त 1920। यहां पर एक लाइन आपको मैं बता देता हूं, रीडिंग की खास बात क्या है कि भारत में जितने भी वायसराय आए, उसमें से एकमात्र जो यहूदी वायसराय था वो था रीडिंग। तो रीडिंग की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, यह एकमात्र यहूदी वायसराय था। यह एकमात्र यहूदी वायसराय था, ठीक, ये बहुत प्रचलित सवाल है, पूछा जाता है। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। हुआ क्या कि इसके साथ में कई सारे सकारात्मक कार्य थे और कई सारे नकारात्मक कार्य थे। सकारात्मक कार्य जैसे क्या था? सरकारी पदों को छोड़ना, चरखा और सूत बांटना, वो सूत काटना, मतलब स्वदेशी वस्त्रों पर इस्तेमाल ज्यादा बल दिया गया, स्वदेशी वस्त्रों का इस्तेमाल करना, चरखा और सूत काटने को बढ़ावा देना, ठीक है, सरकारी नौकरियों से त्याग पत्र देना, मेसोपोटामिया जाकर सेना में सेना की सेवा न करना। इसके साथ साथ इस आंदोलन के तहत तिलक स्वराज फंड का गठन किया गया, जिसके तहत 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने की बात कही गई। कोई भी आंदोलन चलाया जाएगा तो वो बिना पैसे का नहीं चलाया जाएगा। तो 1 अगस्त को ही बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हुई और इसी समय यह आंदोलन चलाया गया और इसी समय तिलक स्वराज फंड की क्या की गई, स्थापना की। लेकिन असहयोग आंदोलन की पुष्टि गांधी ने सितंबर 1920 में कलकत्ता के अधिवेशन में किया था। इसकी एक बार और पुष्टि की गई, और वह पुष्टि कब की गई? दिसंबर 1920 में नागपुर के अधिवेशन में। यह बात को याद रखिएगा, यह सवाल कहीं कहीं दिमाग को घुमा देता है कि सर प्रस्ताव आने के पहले ही आंदोलन कैसे चलाया गया। तो यह एक ऐसा आंदोलन है जिसकी शुरुआत 1 अगस्त को हो गई, लेकिन इसका जो प्रस्ताव लाया गया वो प्रस्ताव बाद में कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया। तो यहां पर बताते हैं आपको, लिखते हैं, समझिए, सिनॉप्सिस के रूप में समझिए, ठीक है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब? 4 सितंबर 1920 को कलकत्ता के अधिवेशन में और इस समय इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है, जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष वो थे लाला लाजपत राय, ठीक, जिनको पंजाब केसरी भी कहते हैं, लाला लाजपत राय थे। लेकिन खास बात क्या है कि इस प्रस्ताव का विरोध, इस प्रस्ताव का, आंदोलन का नहीं, इस प्रस्ताव का विरोध सी आर दास, मतलब चित्रंजन दास, या इनको चित्रंजन दत्त भी कहते हैं, जो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हैं, और लाला लाजपत राय ने किया।
पुष्टि की है, लेकिन फिर से इस आंदोलन की पुष्टि की गई दोबारा। ठीक, तो दोबारा इस आंदोलन की पुष्टि कब की गई समझिएगा, अगला पॉइंट, पुनः असहयोग आंदोलन की पुष्टि। ये कब किया गया, 1920 में ही, दिसंबर 1920 में एक और अधिवेशन हुआ, दिसंबर 1920 में चक्रवर्ती विजया राघवाचारी की अध्यक्षता में नागपुर के अधिवेशन में ठीक, और इसी समय असहयोग आंदोलन में कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज घोषित किया गया। कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य जो घोषित किया गया वो स्वराज घोषित किया गया। तो इसी में अगला पॉइंट लिख लीजिए, या तो ये सवाल ऐसे पूछ लेगा आपको कि किस आंदोलन में कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज घोषित किया गया, तो असहयोग आंदोलन में। अगर थोड़ा सा डीप जाकर आपसे पूछ लेगा तो पूछ लेगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य, एकमात्र लक्ष्य स्वराज घोषित किया गया, तो विशेष अधिवेशन था दिसंबर 1920 में नागपुर में चक्रवर्ती विजया राघवाचारी के नेतृत्व में। तो आंदोलन पूछेगा तो भी, वो पूछेगा तो भी, इसी समय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज घोषित किया गया। लेकिन एक बात है कि जहां पर समर्थक होते हैं वहीं पर विरोधी भी होते हैं। तो 1 अगस्त को असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। इसके सकारात्मक कार्य में देसी स्कूल की स्थापना करना, पंचायतों की स्थापना करना, ठीक है, स्वदेशी वस्त्रों का इस्तेमाल करना, चरखा और ये सूत काटने को बढ़ावा देना, ठीक है, उसके साथ साथ क्या है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, सरकारी नौकरी के पद का बहिष्कार करना, अर्ध सरकारी के जो उन नौकरियों के जो उत्सव होते हैं उनको बहिष्कार करना, उसके साथ साथ क्या है कि जो भारतीय सैनिक हैं वो मेसोपोटामिया जाकर अंग्रेजों की सेना में सेवा नहीं करेंगे, इन तमाम चीज़ों को मुख्य कार्यक्रम बनाया गया, किसका, असहयोग आंदोलन का। लेकिन असहयोग आंदोलन जब पारित हुआ, इसका प्रस्ताव, तो इससे कई सारे लोग नाराज हुए, जिसमें बिपिन चंद्र पाल थे, एनी बेसेंट थी, मोहम्मद अली जिन्ना थे, जी एस खारपड़े थे, जिन्होंने क्या किया कि कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये आप पूछ सकता है कि एनी बेसेंट ने कांग्रेस पद से इस्तीफा कब दिया, तो एनी बेसेंट ने कांग्रेस पद से इस्तीफा किसके दौरान दिया, असहयोग आंदोलन के दौरान। तो जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है वो यह बनता है, इस आंदोलन के विरोध में कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि प्रस्ताव के मतलब प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर कुछ भी कह सकते हैं, इस आंदोलन के विरोध में या इस आंदोलन के प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर एनी बेसेंट मोहम्मद अली जिन्ना,
विपिन चंद्र पाल, और जीएस खारपड़े ने कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने इस्तीफा दिया, कोई आंदोलन है भाई, चार पांच लोगों से थोड़ी ना चलेगा, बड़ा आंदोलन है। हुआ क्या कि कुछ अमीर लोग थे, पैसे वाले, जिनका रायता हमेशा फैलता है, इन्होंने क्या किया कि असहयोग आंदोलन विरोधी संस्था बना बैठे। इसीलिए कहा जाता है ना कि हमारे देश में अन्यथा मत लीजिएगा कि एकता शून्य बराबर है, शून्य बराबर। हम अपनी ही बातों से ही समर्थित नहीं रहते हैं, हमारे कोई अगर हमारे पिताजी या हमारे घर में किसी ने बात कही थी तो चार लोग समर्थन करेंगे, चार लोगों को बुरा लगेगा। पहले वो परिवार की भलाई की बात हो, नहीं पता हमारी सोच है, हमारा जो मन है भैया हम वही करेंगे, जिसकी वजह से लोगों का शासन करना हम पर और आसान हो जाता है। तो असहयोग आंदोलन के विरोध में क्या हुआ कि असहयोग विरोधी संस्था बनाई गई। तो असहयोग विरोधी संस्था जिन्होंने बनाया वो कौन कौन थे, तो इस आंदोलन के विरोध में, इस आंदोलन के विरोध में असहयोगी विरोधी या असहयोग असहयोगी विरोधी संस्था बनाई गई, संस्था बनाई गई। जिसके अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास ठाकुर ठाकुर थे और अन्य सदस्य जमुना दास, द्वारका दास, गौस जी जहांगीर, फिरोज सेठाना, और शीतलवाड़ थे। ठीक है भाई, इन्होंने भी विरोधी संस्था बनाई, उससे भी कोई हमें फर्क नहीं पड़ा। तो 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ कि जिस दिन बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हुई, गांधी ने इस आंदोलन को प्रारंभ कर दिया। ये बात मैं क्यों बार बार कह रहा हूं कि इस आंदोलन का प्रमुख कार्यक्रम था स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, उसके साथ साथ चरखा बांटना, सूत काटना को बढ़ावा देना। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि युवा विकास कल्याण अधिकारी का जो एग्जाम हुआ था उसमें ऐसे ही सीधी लाइन में सवाल पूछा था कि निम्न में से किस आंदोलन का प्रमुख कार्यक्रम चरखा बांटना, सूत काटना को बढ़ावा देना था। तो आंसर था असहयोग आंदोलन, या इस तरह सवाल था शायद कि असहयोग आंदोलन का निम्न में से कौन सा प्रमुख कार्यक्रम था। इसी समय जवाहरलाल नेहरू ने खादी वस्त्र को आजादी का वस्त्र भी कहा था। किसका? खादी वस्त्र को आजादी का वस्त्र भी कहा था। इसी समय मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सी आर दास, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई, इन लोगों ने, तमाम लोगों ने क्या किया, अपनी वकालत के पद से इस्तीफा दे दिया। और इसी आंदोलन के दौरान गांधी ने अपनी कैसरे हिंद, गौर पदक, जुलो युद्ध जैसी तमाम उपाधियों का क्या किया, अंत किया। आंदोलन चला, पहला कार्यक्रम था कि देशी स्कूल और कॉलेजों की स्थापना होना या स्वदेशी स्कूल और कॉलेजों की। तो इस आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ,
बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, महाराष्ट्र विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे स्वदेशी स्कूल और कॉलेजों की क्या की गई? स्थापना की गई। लोगों ने क्या किया? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, स्वदेशी वस्त्र खादी वस्त्रों का इस्तेमाल चालू कर दिए। इसी से प्रभावित होकर जवाहरलाल नेहरू ने खादी के वस्त्र को आजादी का वस्त्र भी कहा। यह आंदोलन जोर शोर से चला, संपूर्ण क्या कहते हैं देश में फैल गया। हुआ क्या था कि 1921 में ब्रिटिश युवराज थे प्रिंस ऑफ वेल्स, इनकी यात्रा थी भारत में और इनकी यात्रा का भरपूर विरोध किया। किसानों ने तरह तरह के जुलूस निकाले, तरह तरह के नारे दिए, प्रिंस ऑफ वेल्स वापस जाओ, नहीं साइमन वापस जाओ अलग मुद्दा यहां पर। तो जब ब्रिटिश युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स से भारत आए, तो जब ये युवराज थे, अरे तो सोच समझ के आए होंगे, जब उनका अपमान किया गया तो फिर अंग्रेजी सरकार को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने तुरंत ही दमन नीति प्रारंभ कर दी। कहा जाता है लगभग 25,000 से 30,000 लोगों को पकड़कर जेल में बंद कर दिया। तब भी यह आंदोलन चलता रहा। इसी आंदोलन के दौरान एक जनजाति विद्रोह था, मोपला विद्रोह, जिसका भी असहयोग आंदोलन में किया गया। बढ़िया सा आंदोलन चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं, आप जेल भेजो कुछ भी करो। और इस आंदोलन के तहत गिरफ्तार होने वाले सबसे पहले जो पुरुष थे वो थे मोहम्मद अली, खिलाफत पार्टी वाले, और जो सबसे पहली महिला थी वो थी सी आर दास की पत्नी बसंती देवी। लेकिन हुआ क्या कि 5 फरवरी 1922 को एक हिंसक घटना हो गई। कई लोग 4 फरवरी मत कहिएगा, देखिए 4 फरवरी 5 फरवरी दोनों डेट कंट्राडिक्शन मिलती है, लेकिन आंसर 5 फरवरी ही शायद माना जाता है, शायद नहीं 5 फरवरी ही माना जाता है, 4-5 कभी ऑप्शन में नहीं रहेगा। 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ कि एक भारत के भूतपूर्व सैनिक थे भगवान अहिर, भगवान अहिर ने एक जुलूस निकाला। अंग्रेजी सेना ने उनको खूब पिटाई की, जिससे उनके समर्थक जो थे उन्हें काफी बुरा लगा। और उनके समर्थकों ने क्या किया कि चौरी चौरा गोरखपुर में चौरी चौरा नामक एक स्थान पर पुलिस स्टेशन को बंद करके जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। जब 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया तो सब ने फिर क्या किया कि भैया गांधी अहिंसक के पुजारी थे, हिंसक घटना कैसे? इसके तहत लगभग इस घटना में लगभग 170 लोगों को मृत्युदंड दिया गया, लेकिन उसमें से 151 लोगों को बचा लिया गया और गांधी आहत हुए और उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। उन्होंने जब असहयोग आंदोलन स्थगित किया तो इस समय जो लोग नेता जेल में थे उनकी प्रतिक्रियाएं बहुत ही हुई। उनका यह कहना था कि संपूर्ण विश्व में अगर कोई चीज हो रहा है, या ऐसा कह लीजिए कि एक जगह पर अगर किसी ने पाप किया तो आप उसका दंड पूरे देश को क्यों दे रहे हैं? सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि यह उस समय आंदोलन वापस ले लिए जब जनता के अंदर एक आग था, एक कुछ कर गुजरने की चाह थी। सी आर दास ने कहा गांधी कोई आंदोलन चालू करते हैं फिर थोड़े समय बाद बहक जाते हैं। तमाम लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं, लेकिन भाई इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। अंग्रेजी सरकार ने इसका फायदा उठाया, उसने देखा कि अगर गांधी की विरोध हो, मतलब गांधी की बुराई हो रही है, तो क्यों ना इनको पकड़कर जेल में डाल दिया जाए। तो गांधी को पकड़कर 6 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया गया और इनको इस समय जो इनको 6 वर्ष की सजा सुनाई वो थे न्यायाधीश ब्रूमफील्ड। लेकिन गांधी की तबीयत खराब होने लगी तो फिर उन्हें 1925 में क्या किया गया, रिहा कर दिया गया, जेल से कहा चाहिए। लेकिन असहयोग आंदोलन आपके चौरी चौरा कांड के बाद ही क्या हो गया, स्थगित हो गया। लेकिन इस आंदोलन के जो सबसे खास बात हुई कि कांग्रेस लोग अब पत्रों से ज्यादा मैदान में आने लगे। कूपलैंड ने कहा कि अब भारत के जो गांव ग्रामीण वर्ग के लोग हैं, युवा वर्ग के लोग हैं, अब वो भी बढ़ चढ़ कर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा होना प्रारंभ कर दिए। तो इस आंदोलन ने अपनी एक छाप जरूर छोड़ दी किसानों पर, युवाओं पर, कि आप अगर साथ हैं, पूरा देश एक साथ है, तो हम अंग्रेजों को अपने देश से निकाल सकते हैं। क्लियर? तो चलिए इसको लिख लेते हैं फट से। इस आंदोलन के दौरान
सी आर दास, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई और विट्ठल भाई ने वकालत की पद से इस्तीफा दे दिया। इस आंदोलन के दौरान गांधी ने कैसरे हिंद, जुलू युद्ध और बोर पदक जैसी उपाधियों का अंत कर दिया। एक अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई। और इसी समय यह आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया और तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। इस आंदोलन के दौरान चरखा बांटना, सूत काटना और खादी वस्त्र के इस्तेमाल पर ज्यादा बल दिया गया। इसी आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने खादी के वस्त्र को आजादी का वस्त्र कहा था। इस आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ
गुजरात विद्यापीठ बिहार विद्यापीठ महाराष्ट्र विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे कॉलेजों की स्थापना की गई। इसी आंदोलन के दौरान ब्रिटिश युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स ने डेट लिख दे रहे हैं, मान लीजिए कभी आपको क्रम बोल देगा तो आप दिक्कत ना हो। 1921 में भारत की यात्रा की। क्या हुआ कि 27 दिसंबर 1931 को कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ और ये जो वार्षिक अधिवेशन था ये अहमदाबाद में था, तो इसके लिए अध्यक्ष चुने गए थे सीआर दास, लेकिन इस समय सीआर दास जेल में थे। ठीक है, तो इसके लिए हाकिम अजमल खां को अध्यक्षता नियुक्त किया गया जिन्हें अंग्रेजों ने हाजी उल मुल्क की उपाधि दी थी। तो सत्ताईस दिसंबर 1931 को अहमदाबाद के अधिवेशन में सी आर दास के जेल में रहने के कारण हकीम अजमल खां को हाजी उल मुल्क की उपाधि हाकिम अजमल खां को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसी आंदोलन के दौरान मोपला विद्रोह का विलय इस आंदोलन में हुआ। इस आंदोलन के तहत गिरफ्तार होने वाले सर्वप्रथम पुरुष मोहम्मद अली और सर्वप्रथम महिला
सी आर दास की पत्नी बसंती देवी। फिर वही हुआ, 5 फरवरी 1922 को भगवान अहिर, भारत के भूतपूर्व सैनिक भगवान अहिर को पुलिसों ने पीड़ित किया, जिसके कारण वहां की जनता ने 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा बंद करके जला दिया, जिससे आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी ने असहयोग आंदोलन क्या किया, स्थगित कर दिया। तो पांच फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक स्थान पर भूतपूर्व सैन्य भगवान अहिर को अंग्रेजों ने पीटा, जिसके कारण वहां की जनता ने बाईस पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया, जिसे चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। इस घटना से आहत होकर बारह फरवरी 1922 को गांधी ने यह आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायाधीश ब्रूम ब्रूम माने झाड़ू ब्रूम फील्ड ने गांधी को सजा सुनाई थी। अब मुद्दा ये है कि इसके बाद फिर गांधी जेल में चले गए, तो फिर लोगों में जो ये राष्ट्रप्रेम की भावना थी जगी हुई थी, इसको बरकरार रखने के लिए मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने इलाहाबाद में 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। मतलब पूरा देश इस आंदोलन में था, पूरा देश इस आंदोलन का समर्थन कर रहा था। एक हिंसक घटना होने के कारण पूरा का पूरा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। बड़ी बड़ी लड़ाइयों में छोटी मोटी घटना होती है, अंग्रेज हमें कितना मारे, क्या क्या नहीं किए, पर वो सही था, पर एक हिंसक घटना हो गई तो वो गलत हो गया। ये जो चोरी चोरा कांड था ना, इसके लिए लगभग 170 लोगों को मृत्यु दंड सुनाया। देखिए जरूरी नहीं, मैं आप बताता हूं, लगभग 170 लोगों को मृत्यु दंड की सजा दी गई। 22 लोग मरे, मृत्युदंड 170 लोगों को दिया जा रहा है। लेकिन पंडित मदन मोहन मालवीय ने अपने प्रयासों से, अपने वकालत के बुद्धि से, उन्होंने 151 लोगों की जान बचा ली, जिसमें 19 लोगों को केवल मृत्युदंड दिया गया और उन्होंने 151 लोगों को मृत्युदंड देने से बचा लिया था। चोरी चोरा घटना हुई, आंदोलन स्थगित हो गया। लेकिन इस आंदोलन ने अपनी एक बहुत बड़ी छाप अंग्रेजों के दिमाग में, भारतीय जनता पर छोड़ दिया था।
तो आज की क्लास में इतना ही। मैं फिर जाते जाते आपसे यही कहूंगा कि सेहत का ध्यान रखिएगा अपने, प्लीज सुरक्षित रहिएगा, ठीक। किसी भी चीज को मजाक में मत लीजिएगा, ये चीज मजाक नहीं है इस बार। अगली चीज, एकदम रणनीति के साथ तैयारी करनी है हम लोगों को, ठीक है। हम इस बार एक वो भी है कि किसने कौन कौन से सेंटेंस कहे इस आंदोलन या तमाम आंदोलन के बारे में, वो वक्तव्य का भी मैं एक नोट्स बना रहा हूँ, क्योंकि देख रहा हूँ हर एग्जाम में पूछ ले रहा, जैसे मैं तो नगाड़ा हूँ एनी बेसेंट वाला था, एक लाइन आया हुआ था, फिर एक लाइन स्वामी दयानंद सरस्वती का आया हुआ था। तो आजकल लोगों का सेंटेंस पूछ ले रहा, हो सकता है पूछ ले रहा, उतना टिपिकल नहीं, उस चीज़ें आपको 25-30-40 सेंटेंस रहेंगे वो याद हो जाएंगे। तो बढ़िया सा आप जहाँ भी पढ़िए बढ़िया सा पढ़िए, हमारे साथ पढ़ना है तो हमसे जुड़िए, और प्लीज़ जहाँ भी रहिए सेहत का ख्याल रखिए, इसको रिवाइज कर लीजिए, कभी भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम फिर कभी हमारी मुलाकात होगी एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ और आपको स्वस्थ देखते हुए, मैं देख नहीं सकता हूँ पर एहसास कर सकता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।